हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू तिवारी अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। और आपने वैसे भरमा मिर्च तो बहुत खाई होंगी, पर आज आपको एक नए तरीके की भरमा मिर्च मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। मैं आज आपको बताऊंगी प्याज के मसाले वाली भरमा मिर्च, जो बड़ी वाली मिर्च आती है ना, उनको हम बनाएंगे आज। तो चलिए, आप इसको स्टफ्ड मिर्च भी कह सकते हैं। चलिए तो हम बनाते हैं प्याज के मसाले वाली भरमा मिर्च। तो इसमें हमें क्या क्या सामान लेना पड़ेगा वो मैं आपको बता दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले मैं ये आधी कटोरी मैंने मूँगफली ली है, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये मसाले में बहुत बढ़िया लगती है, क्योंकि जब हम ये मिर्चियाँ खाते हैं भरमा वाली, तो ये जब मुंह में आती है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। ये देखिए, हमारी मूंगफली भूनकर तैयार हो गई, हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इसमें तेल डालेंगे कढ़ाई में। ये मैंने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल में बहुत बढ़िया लगती है मिर्ची। ये थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने, थोड़ा सा राई दाना डाल दिया, थोड़ा सा सौंफ डाल दिया। ये मैंने बारीक कटा हुआ प्याज रखा हुआ है, बहुत बारीक कटा हुआ है, आप ये चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, क्योंकि हमको इसको पीसना नहीं है, पेस्ट के फॉर्म में नहीं लेना, इसलिए हमने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए, ये वाली मिर्च मैंने ली हूँ, ये बड़ी वाली मिर्च है, ये देखिए, इनको हम भर के बनाएंगे। ये जो प्याज वाला मसाला होता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आपने बेसन वाली मिर्ची खाई होंगी, मैंने अपना वीडियो भी डाला है बेसन वाली हरी मिर्च वाला, तो उसका आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उससे देख सकते हैं। इस तरीके से हम चीरा लगा लगा इनको मिर्चियों को काट लेंगे। और जो हमने मूंगफली भूनी हुई थी उसको हम अब पीस लेंगे मिक्सी में। बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है उसको, थोड़ा सा दरदरा रखना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको पीस लीजिएगा। चलिए, हम इसमें मूंगफली मिला देते हैं प्याज के मसाले में। प्याज हमारी भूनकर तैयार हो गई थी, उसी में हमने अभी थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर। एक चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, तीखा नहीं रहता ये। अगर आप तीखी वाली डालना चाहते तो आप वो भी डाल सकते हैं इसमें। ये मैंने भुना जीरा लिया हुआ है, ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है, इसको हमने इसको पेस्ट नहीं है, कूट के रखा हुआ है। चलिए, अब हम सबको मिक्स कर देंगे, सारे मसालों को थोड़ा सा इनको भी भून लेंगे। अगर इनको नहीं भूनेंगे तो फिर हल्दी का कच्चा टेस्ट आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको भूनना ज़रूरी रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। चलिए, भुन गई है। इसमें हम थोड़ा सा, जो अभी सीजन चल रहा है कच्चे आम का, तो इसमें हम खटाई की जगह कच्चे आम डालेंगे, हम अमचूर पाउडर नहीं डालेंगे इसमें, कच्चे आम डालेंगे। ये मैंने कस के डाल दिया इसमें कद्दूकस करके, इससे बहुत बढ़िया खट्टा टेस्ट आता है इसमें। और मूंगफली और प्याज है, जिससे थोड़ा सा मीठापन भी आता है, तो खट्टा मीठा दोनों टेस्ट आता है, जिसके कारण ये जो हरी मिर्चियाँ हैं ना भर के बनाते, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये नमक डाल दिया हमने, नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये मैंने गरम मसाला डाल दिया इसमें, थोड़ा सा कच्चा हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। अब सभी चीज़ अच्छे से मिक्स कर दें, हमारा मसाला बनकर तैयार हो गया है। चलिए, अब इसको हम
हमने जो मिर्ची चीर के रखी थी ना, अब उनमें हम इसको भर देंगे। अच्छे से भरना है इनको, मसाले को। सभी मिर्चियां भर लेंगे हम। इसको आप तलने के बाद 2 से 3 दिन 4 दिन तक आराम से रख सकते हैं इसको आप, लेकिन आपको इसको फ्रिज में रखना पड़ेगा, खुले में नहीं रख सकते, तभी ये चलेंगी, क्योंकि प्याज है ना। सभी मिर्चियों को भर कर हम रख लेंगे। इस तरीके से आपको भरना ही, काफ़ी हेल्दी होती है, टेस्टी होती हैं, और ख़ास तौर पर आप इसको पराठा पूड़ी सभी के साथ खाइएगा, एक सब्जी की तरह ही होती है भी भरमा मिर्च। चलिए तो अब सभी मिर्ची हम इस तरीके से भर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखेंगे तो सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी, और फिर आपसे बनेगा नहीं, फिर आप कहेंगे मैंने आपको बताया नहीं था। इसलिए आप सभी चीज़ों को लाइन से देखिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना, जिससे कि मुझे आगे भी वीडियो बनाने में आसानी हो। देखिए हमने सारी मिर्चियाँ भर ली हैं, चलिए अब इनको तलने की तैयारी करते हैं। ये मैंने तेल डाल दिया, मैं 2 बड़े चम्मच तेल डाला है, उसमें हम सारी मिर्ची इसी तरीके से जमा देंगे। सभी मिर्ची हमने जमा दी हैं, ये देखिए सारी मिर्ची हमने जमा दी, अब इसको हमने ढककर रख दिया है। इनको धीमे आंच पर ही तलना है। अब एक बार इसको पलट देते हैं, बीच बीच आप इसको पलटते पलटते रहिएगा, नहीं तो वो जल जाएंगी। और जो ये मसाला का साइड है ना, उस साइड उसको नीचे नहीं करना है, आजू बाजू से साइड करना है उसको, नहीं तो सारा मसाला कढ़ाई में निकल जाएगा। थोड़ा सा सावधानी से इसको जब डालेंगे, सावधानी से डालें, क्योंकि ये फूटती भी हैं, इसमें बहुत तेज़ चटकती हैं ये, जिससे कि ऊपर तेल आ सकता है, इसे थोड़ा ध्यान से बनाइएगा। चलिए अब इसको फिर से ढक देते हैं हम पलटने के बाद। ये देखिए हमारी जो भरवा मिर्च है ना, प्याज वाली, वो बनकर तैयार हो गई हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई हैं, ये देखिए सभी तरफ से अच्छे से तल गई हैं। देखिए हमारा मसाला भी एक भी बाहर नहीं हुआ, क्योंकि हमने उसका जो खुला हुआ हिस्सा है उसको नीचे नहीं किया है, आजू बाजू ही उसको करके हमने तला है। आप कोई सब्जी मत बनाइए, बस इसी को बना लीजिए, तो भी आपके बच्चे, घर के सभी लोग बहुत अच्छे से खाना खाएंगे, और रोटी तो 2 की जगह 4 खा लेंगे, इतनी बढ़िया लगती हैं। चलिए तो इसी तरीके से आप भी बनाइए। हमारी शिमला भरमा मिर्च बनकर तैयार हो गई हैं, ये हमारी प्याज के मसाले वाली भरमा मिर्च। तो चलिए आप भी इसी तरीके से बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, और मेरे वीडियो को सभी को शेयर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा बना है। देखिए कितनी बढ़िया तली है, मसाला एक भी बाहर नहीं हुआ, और अच्छे से तल गई हैं।